हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन। तो मेरे दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ इंस्टीट्यूशन पे वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उनकी इस रिक्वेस्ट पे ये वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद जरूर आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी करता है सोसाइटी की। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हर बार बोला है कि जो सोसाइटी है वो छोटी टर्म नहीं है, सोसाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है। सोसाइटी के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक सोसाइटी में हमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी और बहुत सारी कम्युनिटीज़। एक सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड रिलीफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज़। एक सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे होते क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, स्टडी है सोसाइटी की सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें की स्टडी, सभी चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा ये बोलकर कि स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी लिव इन सोसाइटी। हम ह्यूमन बींग, वी आर ह्यूमन बींग, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। वी आर बाउंड टू लिव इन सोसाइटी। If we live in society, then we interact with many persons. We have many needs. हमारी बहुत सारी needs हैं, हमें खाना भी चाहिए, हमें और भी शरीर की बहुत सारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी होती हैं। And in order to satisfying all these needs, people come together and establish a social structure. मैं क्या बोल रहा हूँ आप जरा ध्यान से सुने कि एक व्यक्ति की सोसाइटी में बहुत सारी नीड्स होती हैं। कैसी नीड्स होती हैं? खाने की नीड्स होती है, कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं, कुछ मेंटल नीड्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मैं अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। नो वन कैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद हिज ओन थिंग्स। वो अपनी चीज़ों से अपने आप को सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। तो जब कुछ व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, when some person in order to satisfying our needs establish some social structure, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सोशल स्ट्रक्चर, वो कुछ सोशल स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, कुछ लोग मिलकर कोई सोशल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उस सोशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं। उस सोशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, इंस्टीट्यूशन इज नथिंग बट अ सोशल स्ट्रक्चर। It is an social organization of the people which is made by the people for satisfying their needs. It is set of rules, procedure for regulating a particular individual also. तो आप इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिख सकते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको इंस्टीट्यूशन क्या होता है खुद समझ आएगा। क्या सोशल स्ट्रक्चर है, क्या क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, आपको सब कुछ बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। थोड़ा सा निश्चय, थोड़ा सा धैर्य करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, आपके लाइक से हमें बहुत उत्साह मिलता है। अभी लाइक कर दें विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आगे मीनिंग की तरफ आते हैं। मीनिंग क्या होता है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन का? तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीनिंग में आप ये लिख सकते हो कि सोशल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, एज अ सोशल स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल स्ट्रक्चर विच इज created or organized
जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइंग ऑन नीड्स। क्या बोला मैंने आपको कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर है जो कि सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है सोसाइटी के मेंबर्स के जरिए, ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें इट इज़ बेसिकली ए सोशल स्ट्रक्चर। तो पहले सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा ये क्या होता है। देखो, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी में कुछ चीज़ है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक संगठित होना, इकट्ठा होना, जुड़ना, आपस में स्ट्रक्चर बनाना। जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर है। तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ लॉ जब आपस में इकट्ठे होकर अपना कुछ एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ तैयार कर देते हैं, कुछ एक थिंग तैयार कर देते हैं, जिसको हम जो क्यों तैयार की जाती है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो परमानेंट होती है और वो परमानेंट रूप धारण कर लेती है। फिर जो लोग उसको तैयार करने वाले होते हैं, चीज़ को बनाने वाले होते हैं, वो खुद मर भी जाएँ, उनकी डेथ भी हो जाए, फिर भी वो चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसको सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के बाद आपको ये समझ आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैरिज, जैसे कि फैमिली, जैसे कि गवर्नमेंट। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इंस्टीट्यूशन के, सोशल इंस्टीट्यूशन के। अगर मैं मैरिज की बात करूँ, मैरिज एक चीज़ है जिसमें दो लड़का लड़की आपस में इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे क्या करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो, मैरिज एक सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल मतलब सोसाइटी में होती है, बिल्कुल होती है। स्ट्रक्चर मतलब यह एक लोगों का इकट्ठा होना है। क्यों होना है? कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब मैरिज को करवाना, दो लड़का और लड़की को आपस में बांध देना, उसका क्या रीज़न है? ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकें, अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सकें, अपने वो एक दूसरे के काम आ सके, जीवन साथी एक दूसरे के लिए बन सके। तो मैरिज क्या है? एक सोशल स्ट्रक्चर है जो क्यों बनाया गया अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और मैंने आपको क्या बोला कि ये इंस्टीट्यूशन परमानेंट होते हैं, चाहे इसको बनाने वाले लोग मर जाएं। अब मैरिज, दो व्यक्तियों के बीच मैरिज हो गई, वो मर गई, क्या मैरिज भी मर गई? मैरिज तो अभी भी मैरिज है। मैरिज नाम का वर्ड जो है वो तो अभी भी है, विवाह अभी भी है। कहीं पे विवाह कैसा होता है, कहीं पे कैसा होता है। जो विवाह करने वाले हैं वो मरते जाते हैं, नए बंदे विवाह कर लेते हैं। तो विवाह जो चीज़ है, जो मैरिज है, ये परमानेंट है, ये मरी नहीं, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अभी भी आपको मैरिज वर्ड सुनने को मिलता होगा। तो जो लोगों ने इंस्टीट्यूशन शुरू किया था, वो चाहे मर गए हैं, दे हैव बीन डाई, बट देयर इंस्टीट्यूशन इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फैमिली का। फैमिली क्या है? एक सोशल स्ट्रक्चर है। सोसाइटी में एक कुछ लोग संगठित होकर रहते हैं, ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में। फैमिली भी ऐसी होती है, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं। तो एक सोशल स्ट्रक्चर है जो क्यों बनाया जाता है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब फैमिली है, लोग क्यों फैमिली बनाते हैं, क्यों बच्चे पैदा करते हैं? ताकि उनकी डिफरेंट नीड्स सेटिस्फाई हों। मैरिज करेंगे, फैमिली हस्बैंड वाइफ की बनेगी, आगे बच्चों को पैदा करेंगे, ताकि बुढ़ापे में बच्चे उनकी हेल्प करें, बच्चे उनको खाना दें, उनको अग्नि दें अगर वो मर जाएं, उनके वंश को आगे बढ़ाएं, उनका नाम आगे याद रखें। तो एक नीड है ना, इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तो बनाया इंस्टीट्यूशन को, फैमिली को तभी तो बनाया। अगर किसी को ये नीड ही नहीं होती कि हमने अपने वंश को आगे बढ़ाना है, हमें कोई अग्नि देगा बाद में मरने के बाद, और हमें नरक से स्वर्ग में पहुंचाएगा, ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। तो अगर ये नीड्स हमारी नहीं होती तो हम क्यों फैमिली बनाते?
फैमिली क्यों बनाई गई, एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया लोगों के जरिए, क्यों बनाया गया लोगों के जरिए बनाया गया, उनकी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और नीड्स क्या है मैंने आपको बता दी, मैंने आपको बता दी कि हमें हमारे बच्चे बड़े होकर हमें पालेंगे, हमें खाना देंगे, हमें बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमें हमारे बच्चे मरने पर अग्नि देंगे, हमें स्वर्ग में पहुंचाएंगे, ये सारी बातें। तीसरा गवर्नमेंट क्या है, ये भी सोशल स्ट्रक्चर है, कुछ लोगों ने आपस मिलके एक स्ट्रक्चर बना दिया है। क्यों बनाया है, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब गवर्नमेंट में आप सोचोगे कौन सी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। हमारी नीड है हमें अच्छा खाना मिले, हमारी नीड है हमें फैसिलिटीज़ मिले, हमें बाहर के लोगों से प्रोटेक्शन मिले, हमें प्योर वाटर मिले, और वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हम लोगों को दूसरे विदेशों से बचाती है, वो अगर आक्रमण करें तो गवर्नमेंट अपनी आर्मी को भेजती है और हमें बचाती है। गवर्नमेंट कोशिश करती है, ये क्या काम करती है, हमारे देश की जनता को आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करती है, हमें खाना मुहैया कराती है, अगर कोई विपत्ति आए तो हमें साथ देती है, हमें हमारे लिए वेलफेयर का काम करती है। तो गवर्नमेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। क्यों बनाया गया, कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया। तो क्या होता है इंस्टीट्यूशन मेरे दोस्तों, इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में विद्यमान एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर होता है जो लोगों के जरिए क्यों बनाया जाता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है। और ये किस नेचर का होता है, ये परमानेंट होता है। और अगर लोग जो जिन्होंने ये बनाया था सबसे पहले वो मर भी जाएं, फिर भी ये लगातार रहता है। फैमिली, कुछ लोगों की फैमिली होगी वो मर गई, उनकी आगे बच्चों की फैमिली बन गई, वो मर गई उनकी आगे बच्चों की फैमिली बन गई, वो मर गई उनकी आगे जनरेशन की फैमिली बन गई, कभी ख़त्म नहीं हुआ, फैमिली आज भी विद्यमान है। गवर्नमेंट आज कांग्रेस की बन गई, वो चले गए, फिर बीजेपी गवर्नमेंट तो विद्यमान है, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, वो चले गई, फिर कोई और गवर्नमेंट आ गई, फिर वो चले गए, फिर कोई और गवर्नमेंट आ गई, पर गवर्नमेंट वर्ड जो है वो विद्यमान अभी भी है। तो ये क्या है, ये है ऑल अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो आप अभी लाइक कर दें इसको, मैं आपको एक और बात बताऊँगा इसमें, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ऐसे अभी लाइक कर दें, बिना सोचे समझे आप फटाफट लाइक कर दें। बाकी आपको अच्छा लग रहा हो तभी लाइक करना आप, अगर नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। हाँ जी, तो हमें पता चल गया इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। इसमें आप और बातें लिख सकते हो, इंस्टीट्यूशन कैन बी Defined as set of rules. Institution can be defined as social structure, having set of rules. Institution को हम ऐसे define कर सकते हैं कि एक social structure है जिसके अपने rules होते हैं, बिल्कुल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, मैरिज है तो उसके अपने रूल्स होते हैं, बिल्कुल। फैमिली है उसके अपने रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट है उसके अपने रूल्स होते हैं, विच इज़ मेड और क्रिएटेड फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। जो इंस्टीट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स है, क्यों बनाया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। मैरिज है, उसमें कुछ रूल्स होंगे, क्यों की जाती है मैरिज, बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। एक व्यक्ति किसी से मैरिज करवा दी, ये प्रज्यूम किया जाएगा भी ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा, लड़कियों को तंग नहीं करेगा बाहर की, अपनी मैरिज जिससे हुई है उसके साथ खुश रहेगा और क्या करेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, फैमिली क्यों बन रही है, लॉज भी इंस्टीट्यूशन है हमारे, एजुकेशन भी इंस्टीट्यूशन है, वो क्यों बन रहे हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर में एक लिमिट सेट करने के लिए। अब सोशल इंस्टीट्यूशन की हम एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक स्कॉलर है समनर, इन्होंने क्या बोला है, An institution consists of the concepts and structure. क्या होता है इंस्टीट्यूशन, इसमें कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, कंसेप्ट्स मतलब हमारे आइडियाज़, हमारे नोशन, हमारी डॉक्ट्रिन्स और
स्नेक स्ट्रक्चर आता है। अब देखो इस डेफिनेशन को आप फैमिली या मैरिज के साथ लिंक करके देखो, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंस्टीट्यूशन क्या है। वो एक कंसेप्ट है, मैरिज भी कंसेप्ट तो है, वो एक आइडिया है। मैरिज एक आइडिया तो है हमारा, कहाँ पे मैरिज है जो हम टच कर लें जाकर। ये ब्लैक बोर्ड है, मैंने टच कर लिया। ये चौक है, मैंने टच कर लिया। मैरिज है कहीं पर मैं टच कर लूँ जाकर, हमारे आइडिया में ही तो है। नोशन भी एक तरह का आइडिया होता है, अपनी एक फिलोसफी होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो हमारी आइडियोलॉजी तो है ये मैरिज, कौन सा कहीं पे एग्जिस्ट करता है। डॉक्ट्रीन तो है ही हमारी, सेम टर्म्स है, कोई डिफरेंट नहीं है। कि समनर बोलते हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसमें हमारे आइडियाज आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, नोशंस आते हैं, डॉक्ट्रीन्स आते हैं, और एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ये एक संगठित होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है, अनऑर्गेनाइज नहीं होता। अब मैरिज की बात की जाती है तो मैरिज एक संगठित इंस्टीट्यूशन है, प्रॉपर ढंग से मैरिज होती है। हर एक चीज़ को मैरिज नहीं बोले जाता, दो लड़का लड़की जा रहे हैं वो मैरिज नहीं है, जब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ मांग में का सिंदूर ना लगाए, लड़की वरमाला ना पहने, या जो भी हिंदुओं के बीच होती है कस्टम, वो सारे परफॉर्म ना करें, साथ फेरे ना ले, तब तक वो मैरिज नहीं मानी जाएगी। मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर संगठित वे में बना जाता है। ऐसे ही हर चीज़ को, हर किसी को हम इंस्टीट्यूशन ही बोल देते हैं। इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो किसी संगठित मैनर में बनते हैं, स्ट्रक्चर में बनते हैं, एक प्रॉपर वे में बनते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में बनते हैं, वो होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन, है ना। तो समनर की डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि इंस्टीट्यूशन हमारे आइडियाज़ हैं, डॉक्ट्रीन्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, और स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एक और बात मेरे दोस्तों, हमारे एक स्कॉलर थे, हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट थे दुर्खेम, आपने सुना भी होगा नाम दुर्खेम। उन्होंने बोला था कि जो सोशियोलॉजी होती है ये साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशंस की। अकॉर्डिंग टू दुर्खेम, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो आप ये डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो मीनिंग डेफिनेशन या किसी इंट्रोडक्शन के पार्ट में, कि इट हैज़ बीन राइटली सेड बाय द दुर्खेम दैट सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। देयरफॉर इन द सोशियोलॉजी वी डू द स्टडी ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ऐसे आप लिख सकते हो। तो दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ी, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूंगा। ये जरूर पढ़े, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ें क्या हैं सोशल इंस्टीट्यूशन में, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसेंशियल्स क्या हैं, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसेंशियल सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन इज सोशल बाई नेचर। देखो मेरे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल इंस्टीट्यूशन नेचर से सोशल होता है। सोशल का मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, समथिंग विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। इफ़ यू टॉक अबाउट अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, मैरिज इट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, फैमिली इट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, गवर्नमेंट वर्क्स इन द सोसाइटी, एजुकेशन प्रोवाइड इन द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जो सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे, मैरिज, फैमिली, हमारे एजुकेशन, हमारे लॉज, ये सारे सोसाइटी में ही तो इस्टेब्लिश होते हैं, सोसाइटी में तो एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बाई नेचर सोशल होते हैं। क्यों बाई नेचर सोशल होते हैं, क्योंकि ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, ये तो आपको पता होगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान हो। अब सोशल इंस्टीट्यूशन है तो ये हर जगह विद्यमान तो हैं। आप इंडिया में देखिए, इंडिया में भी मैरिज होती है, फैमिली आती है, एजुकेशन दी जाती है, लॉज बनते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है, इंडिया में ये है। अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में भी ऐसा है, अमेरिका में भी लॉज बन रहे हैं, अमेरिका में भी एजुकेशन है, अमेरिका में भी इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका में भी मैरिज होती है, वहाँ भी फैमिली है। आप यूरोप के किसी भी देश में चले जाओ, आप अमेरिका के स्टेट्स में चले जाओ, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, दीज सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, फैमिली, गवर्नमेंट, एजुकेशन, लॉज, दे आर यूनिवर्सल, एग्जिस्ट एवरीवेयर। तीसरा, परमानेंट। मेरे दोस्तों आप सोचो अपने दिमाग से कि क्या इंस्टीट्यूशन परमानेंट होते हैं कि नहीं होते हैं।
जी बिल्कुल परमानेंट होते हैं। हमारी मैरिज, हमारी फैमिली, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजुकेशन, हमारे लॉज, ये सारे जब बनाए जाते हैं तो ये बनाने के बाद आगे लोग बनाने वाले इनको मर जाते हैं, पर ये फिर भी एग्जिस्टेंस में तो रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर फैमिली की बात करूँ, फैमिली ए बी सी डी की आपस में फैमिली है, ए मर गया फिर भी फैमिली रहेगी, बी मर गया फिर भी फैमिली रहेगी, आगे बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर फैमिली नहीं बन जाएगी। लगातार मेंबर चेंज होते हैं और फैमिली लगातार एग्जिस्ट में रहेगी। वैसे ही मैरिज, ए और बी मैरिज करेंगे, वो ना मैरिज करें सी और डी मैरिज करेंगे, सी और डी ना करें ई और एफ मैरिज करेंगे, वो मैरिज कर लें मर जाएंगे फिर कोई और मैरिज करेगा। जो मैरिज टर्म है, जो फैमिली टर्म है, जो एजुकेशन टर्म है, ये जो लोग इनका यूज़ कर रहे हैं, जो मैरिज कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो मर जाएंगे, फिर भी ये जो इंस्टीट्यूशन है ये थोड़ा ख़त्म हो जाएंगे। ये एक परमानेंट नेचर के इंस्टीट्यूशन है, ये हम कभी ख़त्म नहीं होते। तो आप ये बातें भी इसमें लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो आप ये लिख सकते हो कि सोशल इंस्टीट्यूशन मे बी प्राइमरी एंड मे बी सेकेंडरी। आप ये लिख सकते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इंस्टीट्यूशन प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी में हम किसको लेते हैं, जैसे हमारी फैमिली हो गई, जैसे हमारी मैरिज हो गई, ये हमारी प्राइमरी है, हमें सामने दिख रहे हैं। रोज बंदा फैमिली में रहता है, मैरिज जिससे करी हो उससे उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, अपने आसपास मैरिज देखता है, ये प्राइमरी है। उस सोसाइटी में पर्सन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, लिंक करता है बंदा इसके साथ। और सेकेंडरी हमारे लॉज ले सकते हैं हम, एजुकेशन ले सकते हैं हम लोग सेकेंडरी में, गवर्नमेंट ले सकते हैं हम। तो इंस्टीट्यूशन प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टीट्यूशन प्राइमरी क्या हो जाएगा, इसमें रिलीजन भी आ जाएगा। प्राइमरी रिलीजन भी होता है आपका, जहाँ पे आप रहते हो आपका एक धर्म होता है अपना, धर्म भी एक इंस्टीट्यूशन ही है। धर्म भी लोगों के जरिए बनाया था, क्यों बनाया था, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की फिलोसफी होती थी और वो उस फिलोसफी को मानते थे, उन्होंने अपना धर्म बना दिया। तो धर्म भी एक इंस्टीट्यूशन ही है, तो ये भी प्राइमरी है, लोगों से डायरेक्टली डील करता है। तो मेरे दोस्तों हमने चार पॉइंट पढ़ लिए कि सोशल इंस्टीट्यूशन नेचर से सोशल होता है, हर जगह विद्यमान होता है, परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद पाँचवा आप ये बोल सकते हो कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो डायनामिक होता है। देखो दोस्तों, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है, जो एक जैसा नहीं रहता, जो लगातार चेंज होता है वो होता है डायनामिक। अब सोशल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो ये भी चेंज तो हो रहा है। फैमिली, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मैरिज पहले बच्चों की हो जाती थी, अब बड़ों की ही होती है, बच्चों की मैरिज प्रोहिबिटेड है। मैरिज पहले एक से ज़्यादा हो जाती थी, अब कम मैरिज हो रही है, ज़्यादा नहीं हो पाती। एक बंदा एक टाइम ही मैरिज कर सकता है, दो बार मैरिज नहीं कर सकता। बायगैमी इज प्रोहिबिटेड अमंग हिंदूज एंड अमंग मुस्लिम। अ पर्सन कैन परफॉर्म ओनली फॉर मैरिज, आफ्टर दैट मैरिज विल बी वाइड। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, मैरिज, फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये लगातार चेंज तो हो रहे हैं। एजुकेशन, पहले बंदे गुरुकुल में जाते थे, फिर स्कूलों में जाने लगे, अब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, घर बैठकर बच्चा पढ़ रहा है। तो लगातार चेंज तो हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन, तो ये भी हमारा एक क्या बन जाता है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इंस्टीट्यूशन की बन जाती है। इसके अलावा छठा आप पॉइंट आप बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें कुछ भी गलत नहीं है बोलना, ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है। कोई बंदा मैरिज करेगा, अब वो लड़कियां देखना बंद कर देगा या लड़के देखना बंद कर देगी लड़कियां। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैरिज के बाद बंदा एक बंद जाता है कि अब मैरिज हो गई है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकते, जो हमारी लाइफ पार्टनर उसके साथ जीवन व्यतीत करना है, एक लिमिट्स ही हमारे ऊपर पुट हो जाती है। फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, लिमिट्स और ज़्यादा पुट हो जाती है। वैसे ही अगर मैं लॉज की बात करूँ, लॉज क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर इस्टेब्लिश, गवर्नमेंट के जरिए बनाए जाते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या मतलब बोलने का है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बंदे के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं।
बंदा कुछ गलत नहीं करता, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता, तो ये भी एक इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि जो इंस्टीट्यूशन है ये अब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं, ये कंक्रीट नहीं होते। आप मैरिज को ले लो, आप फैमिली को ले लो, आप गवर्नमेंट को ले लो, ये क्या आप इनको टच कर सकते हो? ये हमारा वाइट ब्लैक बोर्ड है, मैं टच कर रहा हूँ, चौक टच कर रहा हूँ, ये कंक्रीट नेचर की चीज़ें हैं। पर अगर आप मैरिज को सोचो, कहीं है मैरिज, आप जाओ टच कर लो, हमारे आइडिया में तो है मैरिज, बोलने का मतलब क्या हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली कहीं विद्यमान है फैमिली, जिसको जाकर आप टच कर लोगे? नहीं कर सकते, हमारे आइडिया में ही है फैमिली, तो क्या है ये अब्स्ट्रैक्ट नेचर का इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी जो है वो सेंटर में बैठी हुई है, पर कहीं गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ है जो जाके टच कर लो? गवर्नमेंट हमारे आइडिया में ही है ना, कि हमने कुछ लोगों के समूह को गवर्नमेंट बोल दिया, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर अब्स्ट्रैक्ट बाय नेचर बिकॉज वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट सी देम, वी कैन फील देम इन आर माइंड, इन आर आइडियाज। दिस इज फंडामेंटल फीचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। आठवां पॉइंट आप एक और लिख सकते हो कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है गाइस, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट आर क्रिएटेड फॉर सेटिस्फाइंग आर नीड्स, दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट। ये तो हमारा मेन पॉइंट था, टू सेटिस्फाई ह्यूमन। मैंने शुरू में बताया सबसे पहले कि क्यों इंस्टीट्यूशन बनते हैं, कुछ लोग आपस में संगठित हो जाते हैं और कोई नई चीज क्रिएट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। मैरिज को करते हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ को सेटिस्फाई किया जा सके, जीवन को यापन किया जा सके, एक साथी मिल जाए, तो मैरिज होती है। फैमिली क्यों बनाई जाती है? ताकि बच्चे बूढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे, उनको मुख अग्नि देंगे, उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे, ये सोच कर हम ये चीज़ें बनाते हैं। तो लॉज क्यों बनाए जाते हैं? लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट क्यों बनती है? ताकि वो अपने लोगों के लिए रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, पॉलिसीज बनाए, बाहर के लोगों से अटैक होने से बचाए। तो क्या बोलने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें, बताएं, मैं उस पर टॉपिक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और बनाऊंगा भी आप लोगों के लिए। तो काइंडली स्टे विद अस, काइंडली कीप सपोर्टिंग अस, एंड लाइक जरूर करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।